दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे हीरो स्प्लेंडर प्लस वेस पैशन एक्सट्रैक 2023 का डिटेल्स कंपैरिजन रिव्यू होने वाला है। और ये 2023 का एकदम नया से नया मॉडल है। पैशन एक्सट्रैक एकदम नई मॉडल है, देख सकते पन्नी लगी हुई है और ये भी एकदम नया मॉडल है, भी आपको हम दिखाएंगे इस पर लिखा हुआ। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर आप जो देख रहे हैं ये हीरो स्प्लेंडर प्लस बेस मॉडल का सबसे नया कलर है, यानी कि सबसे कम प्राइस वाली ये मॉडल है, सबसे नया कलर है इसका। और ये पैशन एक्सट्रैक जो है दोस्तों अभी तक E20 में नहीं आई थी, अब पैशन एक्सट्रैक आपको E20 में मिल जाएगी। इस तरह से आप देख सकते हैं ये एकदम नया वाला मॉडल है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे पैशन एक्सट्रैक में तो LED प्रोजेक्ट हेडलैम्प के साथ DRL LED लाइट, ये सारी चीज़ें आपको फ्रंट पे मिल जाती है। यहाँ पर आपको इंडिकेटर भी बल्ब वाला ट्रांसपेरेंट ग्लास पे मिलेगा। और यहाँ पर भाई देखेंगे तो सिंगल वाइजर पे आपको हीरो स्प्लेंडर प्लस लिखा मिलेगा। इस तरह से ग्राफिक मिल जाएंगे दोनों साइड। 35 वाट हेलोजन बल्ब, सिंगल पायलट लाइट, इंडिकेटर भी आपको बल्ब वाला वो भी येलो ग्लास पे मिलेगा। नंबर प्लेट आपका यहाँ पर आएगा, इसमें नंबर प्लेट यहाँ आएगा। अब इन दोनों गाड़ियों का जो मडगार्ड है वो लगभग आपको सेम दिख रहा होगा, बट सेम नहीं है, ये थोड़ा सा आपको ज़्यादा चौड़ा मिलेगा। इस तरह से आप देख सकते हैं इसका मॉडल, ये देखिए। और यहाँ पर इस तरह से इसमें मिलेगा मडगार्ड का फ़र्क है। बाकी 818 का ट्यूबलेस टायर उसमें भी, इसमें भी आपको 818 का ट्यूबलेस टायर और अलॉय व्हील जो है वो आपको थोड़ा बदली मिलेगी। बाकी साकर देख सकते हैं, टेलीस्कोपिक रिफ्लेक्टर आपको यहाँ पर मिलेगा, लेकिन इसमें रिफ्लेक्टर आपको यहाँ पर मिलेगा यानी कि उसके वाइजर पे। अब इसकी जो अलॉय व्हील यहाँ पर डिज़ाइन देख सकते हैं, इस तरह से कटिंग मिलेगी। और इसका देखेंगे भाई तो सादी मिलेगी, ये देखिए आपके सामने है, तो ये फ़र्क है। बाकी कम्बी ब्रेकिंग सिस्टम दोनों गाड़ियों का सेम टू सेम है। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों इस मोटरसाइकिल में आप देख सकते हैं हाई लो बीम तो यहाँ पर दिया गया है लाइट इस तरह से ऊपर नीचे करने के लिए, लेकिन पासिंग बटन नहीं है। और इसमें आपको देख सकते हैं हाई लो बीम तो दिया गया है, साथ में आपको पासिंग बटन भी दी गई है, ये बहुत ही ज़बरदस्त पॉइंट है। बाकी यहाँ पर i3 और सेल्फ स्टार्टर आपको दोनों मोटरसाइकिल में मिल जाएगा। इसका हैंडल बार देखेंगे तो ब्लैक कलर में दिया गया है, इस तरह से आप देख सकते हैं, ये देखिए। और उसमें आपको स्टील वाला मिलेगा ये। और यहाँ पर देखेंगे तो मोबाइल चार्जिंग आपको मिलेगा हीरो स्प्लेंडर प्लस में, एनालॉग मीटर सारा रहेगा। और डिजिटल चाहें तो भाई तो स्प्लेंडर प्लस एक्सट्रैक भी ले सकते हैं। यहाँ पर आपको इसमें आपको एक ही ऑप्शन मिलता है, यानी कि फुली डिजिटल मीटर के साथ। और इस तरह से आप पूरा देख सकते हैं, मोबाइल चार्जिंग भी मिल जाएगा। और इसमें आपको एनालॉग का ऑप्शन नहीं है, ओनली आप अगर एनालॉग ले चाहिए तो आपको पैशन प्लस लेना पड़ेगा। ये पैशन एक्सट्रैक है तो इसमें आपको पूरा डिजिटल मीटर रहेगा, हैंडल बार इसमें ब्लैक रहेगा, यहाँ पर आपको इस तरह से मिल जाएगा। अब इसकी भी 10 लीटर पेट्रोल टैंक कैपेसिटी है और इसकी भी 10 लीटर पेट्रोल टैंक कैपेसिटी, यहाँ पर E20 मिलेगा। अब यहाँ पर देखेंगे तो इसका स्टिकर बदल दिया कंपनी ने, अभी तक इतना ही आता था तो ये स्टिकर बढ़ गया। यहाँ पर सर्विस इंटरवल एवरी 6000 किलोमीटर 6 मंथ, पोस्ट फर्स्ट फ्री सर्विस, ये देख सकते हैं। अब यहाँ पर प्लस पॉइंट लिख के आ रहा है, पहले इस तरह से होता था, ये देखिए। तो E20 वाला ये मॉडल है। और यहाँ पर फ्यूल टैंक का कैप इसमें इस तरह से रहेगा और इसमें फ्यूल टैंक का कैप इस तरह से रहेगा। 10 लीटर पेट्रोल इसमें भी आएगा और 10 लीटर इसमें आएगा। यहाँ पर आपको पैशन का 3D वाला लोगो मिलेगा, इस तरह से आप देख सकते हैं, बिल्कुल स्टील जैसा दिख रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देखिए लुक आप। और यहाँ पर आपको इसमें इस तरह से स्टिकर मिलेगा। अब इसका जो इंजन है वो 97.2 cc सिंगल सिलेंडर USC एयर कूल इंजन है, 4 गियर है, 60 का एवरेज है इस गाड़ी में। ठीक है, अब इसमें आपको 50 से 55 का माइलेज देगी, इसमें भी 4 गियर है और 110 cc का इंजन है। किक और सेल्फ दोनों स्टार्टर FI, फ्यूल इंजेक्शन E20 अपडेट है। यहाँ पर लेग गार्ड आपको इस तरह से मिलेगा, इसमें लेग गार्ड आपको स्टील वाला दिया गया इस तरह से, ये चीज़ आप देख सकते हैं। और इसमें आपको डुअल चेसी मिलेगी, देखिए इस तरह से चेसी दी गई है। और यहाँ पर इस तरह से देखिए डबल चेसी है, ठीक है। और इसमें आपको सिंगल मिलेगा, इस तरह से देख सकते हैं, वही सिंगल चेसी पे ये बाइक आपको मिलेगी। इस साइड से आप इंजन इसका देख सकते हैं, पावर स्टार्ट FI प्रोग्रामेड, यहाँ पर भी आपको FI प्रोग्रामेड पावर स्टार्ट यहाँ पर भी आपको मिलेगा। किक और सेल्फ दोनों इंजन आप देख सकते हैं, ये 110 cc का है, वो 100 cc का है। आप साइड पर देखेंगे भाई तो यहाँ पर आपको i3S और हीरो लोगो इस तरह से मिलेगा। और यहाँ पर आपको स्प्लेंडर प्लस i3S लिखा मिलेगा, पीछे का जो स्टिकर है वो इस तरह से रहेगा, ये आप पूरा लुक देख सकते हो। और पीछे आपको 5-स्टेप एडजस्टेबल साकर मिलेगा, यहाँ पर भी 5-स्टेप एडजस्टेबल हाइड्रोलिक साकर मिलेगा। पीछे भी टायर 818 का ट्यूबलेस टायर मिलेगा और 130 mm का ड्रम ब्रेक, यहाँ पर भी आपको 130 mm का ड्रम ब्रेक मिलेगा और ट्यूबलेस टायर 818 का ही रहेगा। लेकिन इसमें जो फ़र्क है वो यहाँ पर ये बदलाव देगा, ये आप देख सकते हैं, इस तरह से रहेगा गोल में और इसका फ्लैट में रहेगा, इस तरह से देख सकते हैं, ये फ़र्क यहाँ पर आपको दिखेगा। और दोनों का साइलेंसर भी बदला हुआ है, देख सकते हैं साइलेंसर दोनों का बदला मिलेगा। अब यहाँ पर देखेंगे साइड के जो पैनल है, यहाँ पर इस तरह से मिलेंगे, ग्रेविल आपको इसमें इस तरह से मिलेगा, इसमें आपको कैरियर मिलता है इस तरह से, ठीक है, ये डिफरेंस है। और सीट का भी डिफरेंस है, यहाँ पर पैशन एक्सट्रैक की सीट काफ़ी अच्छी मिल जाती है, लंबी चौड़ी, यहाँ पर इसकी छोटी सीट है। और इसमें भाई लोहे का चेन कवर मिलता है, हीरो स्प्लेंडर प्लस में लोहे का चेन कवर और इसमें भाई फाइबर का चेन कवर है, ठीक है, सारी गाड़ दोनों गाड़ियों का सेम रहेगा। अब देखिए पीछे का जो पोजीशन है वो टेल लाइट इसमें बल्ब वाला दिया गया है, यहाँ पर देख सकते हो ये बल्ब वाला, हीरो का लोगो यहाँ पर, इंडिकेटर आप देख सकते हैं, ये पूरा पीछे का फेंडर देख सकते हैं इस तरह से रहेगा।
इसमें आपको एलईडी वाले टेल लाइट मिलते हैं और यहाँ से डिज़ाइन दी गई है, इसके टेल लाइट यहाँ से बनावट है। ये देखिए नंबर प्लेट की लाइट यहाँ पर आएगी और फेंडर देख सकते हैं पूरा लुक इस तरह से रहेगा। तो दोनों का डिफरेंस काफ़ी हद तक बदला हुआ है, दोनों अलग अलग सेगमेंट की गाड़ी यहाँ पर दिख रही है, देख सकते हैं आप। इसकी कीमत जो है वो दोस्तों आपको 95,000 में पड़ेगी पैशन एक्सटेक की, और इसकी आपको पड़ेगी 90,000 रुपये में। तो 5,000 रुपये का डिफरेंस यहाँ पर है, मात्र 5,000 का अंतर दोनों में है। तो आपको दोनों बाइकों में कौन सी पसंद है आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाकी वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में बताएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें।